हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन और फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई टेक्नोलॉजी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप पासपोर्ट साइज फोटो बनाते वक्त कुछ महत्वपूर्ण बातें उनको ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जैसे अपन पासपोर्ट साइज फोटो को बनाते वक्त अपनी फोटो के चारों तरफ इस तरीके से बॉर्डर वॉल देना चाहते हैं तो वो किस तरीके से दे सकते हैं और अपनी फोटो को किस तरीके से अपन ब्राइटनेस और लाइट बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना होगा। और दोस्तों अगर आप पहली बार अपने चैनल पे आए हो तो अपने चैनल के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी आने वाले वीडियो की सबसे पहले जानकारी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन करेंगे अपने फोटोशॉप को ओपन। तो जैसा कि दोस्तों अपन फोटोशॉप जैसा कि दोस्तों ये फोटोशॉप है ये ओपन हो रहा है। कुछ फोटोशॉप ओपन हो जाने के बाद में दोस्तों आपको इस तरीके से कुछ नया पेज ओपन होगा और आप अपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट दो जो पासपोर्ट साइज फोटो बनाते हैं उस वक्त ध्यान देने वाली बातें इसमें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप अपनी फोटो को इसमें आप ओपन कर लेना है या तो आप यहाँ फाइल पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करके भी आप अपनी फोटो को ले सकते हो या फिर आप इस पे स्क्रीन पे डबल बार माउस का राइट लेफ्ट बटन क्लिक करके भी आप फोटो को ले सकते हो। जैसा ही दोस्तों मैं इसमें एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे दोस्तों अपन एक फोटो इसमें ले लेते हैं और इसका जैसे अपन बैकग्राउंड किस तरीके से चेंज करें फोटो का बैकग्राउंड। सबसे पहले बात आती है कि फोटो का बैकग्राउंड को कैसे अपन चेंज करते हैं। तो दोस्तों फोटो का बैकग्राउंड को कैसे अपन चेंज करें तो दोस्तों जो ये बैकग्राउंड है इसको कैसे अपन चेंज कर सकते हैं तो ये बाद में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ये मैजिक टूल है आपको ये मूव टूल्स के नीचे सेकंड नंबर पे मैजिक टूल है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक कर लेते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे कलर में पेज आ जाता है। यहाँ पे दो कलर के ऑप्शन आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो भी आप बैकग्राउंड के पीछे जो भी कलर रखना चाहते हो वो आपको यहाँ पे रख के ओके कर देना है और आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है डिलीट कर देना है। जैसे दोस्तों आप अपनी डिलीट करोगे तो आप जो भी कलर लिए हो वो यहाँ पे आ जाएगा। कोई बार क्या होता है कि ये आता नहीं है तो आपको यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे ऑप्शन आ रहा है ये यहाँ पे पेंट बुकलेट टूल्स का तो आपको यहाँ पे ये सेकेंड नंबर पे ऑप्शन आ रहा है पेंट बुकलेट टूल ये क्लिक करके आपको जो यहाँ पे ऑप्शन आता है इसको यहाँ पे क्लिक करते ही ये यहाँ पे इस बाल्टी के द्वारा आपको ये इस पर क्लिक कर देना है तो आपका ये जो फोटो का बैकग्राउंड है आप जो यहाँ पे फोटो का बैकग्राउंड लोगे उस तरीके से ये फोटो का बैकग्राउंड इसमें हो जाएगा। जैसे ये देखो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आप अपनी फोटो का बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी फोटो का बैकग्राउंड को जैसे आप चेंज कर देते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आपको यहाँ पे अपनी फोटो को यहाँ पे माउस का राइट बटन दबाना है सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है और अपनी फोटो को जैसे आपको अपनी फोटो को पासपोर्ट साइज में कैसे अपनी फोटो को साइज में कैसे कन्वर्ट करें जो अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो होती है उसको किस तरीके से अपनी इस साइज में लें तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसके लिए आपको यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करोगे। जैसे आप क्रॉप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे विड्थ और हाइट और रेगुलेशन आपको यहाँ पे ध्यान देना है तो आपको विड्थ ले लेनी है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट ले लेनी है 4.5 सेंटीमीटर और रेगुलेशन 200 पिक्सल में आपको रखना है और अपनी फोटो को यहाँ से क्रॉप कर देना है। जैसे आप अपनी फोटो को एंटर दबाओगे तो अपनी फोटो ऑटोमेटिक क्रॉप हो जाएगी और आपको यहाँ पे फिर से अपनी फोटो को सिलेक्ट करके माउस का राइट बटन क्लिक करके RTS दबाना है। जैसे RTS दबाओगे तो यहाँ पे स्ट्रोक आ रहा है तो विड्थ आपको 2 पिक्सल रखनी है और कलर आपको जो भी आप फोटो के बॉर्डर कलर देना चाहते हो एक्चुअली में बॉर्डर कलर ब्लैक रहता है तो अपन ब्लैक क्लिक कर देते हैं अपनी फोटो का बॉर्डर ब्लैक हो जाता है। इस तरीके से आप फोटो के बॉर्डर को भी ब्लैक कर सकते हो। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अपनी फोटो को जैसा कि दोस्तों आप अपनी फोटो का जो अपनी फोटो होती है उसको लाइट और वो जो अपन करते हैं डार्क वो किस तरीके से कर सकते हैं
तो दोस्तों अपनी फोटो को आपको सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल एम प्रेस करना है, और यहाँ से अपनी फोटो को इस तरीके से आप लाइट कर सकते हो और या फिर अपनी फोटो को डार्क कर सकते हो। तो अपन जैसे इस तरीके से अपनी फोटो को लाइट करके अपनी फोटो का बैकग्राउंड, इस तरीके से आप अपनी फोटो को लाइट करके भी और कंट्रोल एल करके भी आप अपनी फोटो का बैकग्राउंड को इस तरीके से सेट कर सकते हो। और दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं किस तरीके से आप अपनी फोटो का आर्ट फोटो में किस तरीके से ले सकते हो। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करना है और यहाँ पे एडिट पे जाना है और डिफाइन पैटर्न का ऑप्शन आता है यहाँ पे, तो आपको डिफाइन पैटर्न क्लिक करना है। उसके बाद में ओके क्लिक करना है। जैसे आप ओके कर लेते हो तो आपको नया पेज ओपन करना है। जैसे आप कंट्रोल एन करके नया पेज ओपन करोगे, 4x6 यहाँ पे साइज ले लेनी है और यहाँ पे 200 रेजुलेशन 200 रख लेना है, क्योंकि अपने फोटो का रेजुलेशन भी 200 लिया था। सेलेक्ट करके इमेज पे जाके रोटेट कैनवास 90 डिग्री CW कर देना है। अगर दोस्तों आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके हमारे को पूछ भी सकते हो। दोस्तों आपको इस पेज को माउस का राइट बटन क्लिक करके सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जैसे आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर लेते हो तो यहाँ पे जैसे फिल का ऑप्शन आता है, राइट बटन क्लिक करोगे तो यहाँ से अपनी फोटो को जहाँ पे भी आपकी फोटो है उसको ले लेना है। जैसे ये आपकी फोटो आ गई है। अब जैसे ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी फोटो बीच में यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो ये स्पेस किस तरीके से दे पा, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये स्पेस देने के लिए दोस्तों आपको करना होगा, जैसा कि आपकी फोटो है तो इसको कंट्रोल टी करना है और यहाँ पे जो एक मिनट यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड आपको रख लेना है और इस फोटो को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल टी करना है और यहाँ से इस कोने को पकड़ के इधर से छोटा करना है और इधर से इसको छोटा करना है और फिर आपको इस फोटो को वापिस सिलेक्ट कर लेना है और एडिट पे जाके डिफाइन पैटर्न भी क्लिक करना है, ओके क्लिक करना है और न्यू फाइल कंट्रोल एन करके नया पेज ले लेना है, 4x6 की सीट लेके रेजुलेशन 200 कर देना है और ओके प्रेस कर देना है। जैसे आप ओके करोगे सेलेक्ट करके इमेज पे जाके रोटेट 90 डिग्री CW कर देना है और उसके बाद में सेलेक्ट करके फिल पे क्लिक करके आपको अपनी फोटो जहाँ पे आपकी फोटो है उसको ओके कर देना है। इस तरीके से आपकी फोटो यहाँ पे आ जाएगी और आपको जैसा ही दोस्तों यहाँ पे साइड में फोटो आ रही है तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ सिलेक्ट करने के बाद में इसको इधर से क्रॉप कर लेना है अपने को। डिलीट कर देना है वो इधर से भी अपने को इसको डिलीट कर देना है और फिर अपनी जो भी फोटो है उसको यहाँ से पूरी फोटो को सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा के रखना है और अपनी फोटो को यहाँ से जहाँ पे अपन सेट करना चाहते हैं वहाँ पे अपनी फोटो को सिलेक्ट करके और इसको सिलेक्ट ऑल पे करके यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ये एडिट पे इमेज पे क्लिक करेंगे। जैसे अपन इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रोटेट कैनवास, तो इस तरीके से अपनी फोटो रोटेट हो जाएगी और अपन कंट्रोल पी करके अपनी फोटो को फिट टू स्केल साइज करके अपनी फोटो को अपन प्रिंट आउट दे सकते हैं, जो भी अपनी शीट है उस पर आप प्रिंट आउट दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो अपने इस वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल पर अगर पहली बार नहीं आए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएँ। धन्यवाद।